दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग सारफेसी एड का सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले का पार्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे मैंने आप लोगों को बेसिक्स ऑफ सारफेसी एड समझाया था कि सारफेसी एड कहाँ लागू होता है, किन 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 कंडीशंस में लागू होता है, तो उसी का ये कंटिन्यूएशन है। तो पहले आप पार्ट वन को एक बार देखिए। पार्ट वन में मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीज़ों को समझाया है, थ्योरी समझाया है, उसके बेसिस पे एमसीक्यू करवाए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अप्रोच वही रहेगा इस पार्टिकुलर लेसन में भी। आइए, जो पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है उसके बाद का नेक्स्ट पार्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो ये है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सारफेसी एक्ट इन सर्टेन केसेस। अब देखिए, सारफेसी एक्ट किस किस केस में एप्लीकेबल नहीं होता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सेक्शन 31 में कहा गया है, आपको इस सेक्शन को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 31 में क्या कहा गया है कि कुछ एक्सक्लूजन है, ठीक है, जहाँ पे ये एक्ट को नहीं लागू होता है। पहला एग्जांपल देखिए, एक लीन, मान लीजिए किसी गुड पे कोई लीन लग रहा है या किसी मनी या किसी सिक्योरिटी पे लीन लग रहा है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत है, ठीक है, या सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंतर्गत है, तो उस केस में हम लोग सारफेसी एक्ट को नहीं अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए कि कोई मोएबल एसेट पे प्लेज हो जो कि सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत हो, उस केस में भी सारफेसी एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। उसके बाद दोस्तों, मान लीजिए सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है एनी वेसल में, तो वो भी हमारा सारफेसी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। और दोस्तों, एयरक्राफ्ट पे सिक्योरिटी, ये भी हमारा सारफेसी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिएगा, लीन हुआ हमारा, प्लेज हुआ, फिर सिक्योरिटी इंटरेस्ट का क्रिएशन किसी एयरक्राफ्ट पे, या ये सभी केस हमारे सारफेसी एक्ट के एक्सक्लूडेड हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आइए, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। विच अमंग विदिंग द मीनिंग ऑफ सारफेसी एक्ट द टर्म सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिप्रेजेंट एनी राइट और द टाइटल ऑफ द इंटरेस्ट अपॉन अ प्रॉपर्टी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एनी सिक्योरिटी क्रिएटर डज नॉट इंक्लूड। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि सारफेसी एक्ट के अंतर्गत जो हमारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट टर्म है उसके अंदर क्या नहीं आता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है मॉर्गेज, ऑप्शन बी है हाइपोथिकेशन, ऑप्शन सी है असाइनमेंट और ऑप्शन डी है प्लेज। तो दोस्तों, ऊपर वाले पैराग्राफ को देखकर आपको तो ये क्लियर हो ही गया होगा कि प्लेज और लीन जो है हमारा सारफेसी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन हाइपोथिकेशन हो, मॉर्गेज हो, ठीक है, सॉरी। तो देखिए दोस्तों, प्लेज और लीन को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, डज नॉट इंक्लूड पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, प्लेज और लीन आर नॉट इंक्लूडेड इन सिक्योरिटी इंटरेस्ट बिकॉज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट द सेल ऑफ सिक्योरिटी विदाउट को इंटरवेंशन ऑलरेडी परमिटेड। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। गलती से यहाँ पे मैंने यहाँ सी लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेज और लीन, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। 524 का क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी प्लेज और लीन, जैसा कि हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में देखा है। आइए दोस्तों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जैसा कि सारफेसी की डेफिनेशन में ही है दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग ये समझेंगे कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो हम लोग समझ लिए, अब उसको कैसे इन्फोर्स किया जाए इसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, ताकि वो लोग क्या करते हैं कि सिक्योर्ड एसेट का पोजीशन लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जब भी सिक्योर्ड एसेट को रिक्वायर किया जाता है टू टेक पोजिशन और कंट्रोल ऑफ द सिक्योर्ड एसेट और वेन द सिक्योर्ड एसेट इज रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड और ट्रांसफर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ सारफेसी एक्ट। तो जब भी कोई सिक्योर्ड एसेट को हमें बेचना हो या ट्रांसफर करना हो सारफेसी एक्ट के अंतर्गत, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ठीक है, वो किसका हेल्प लेगा? क्रेडिटर वो आदमी होता है जिसने लोन दिया है दोस्तों, वो हेल्प ले सकता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, ठीक है। अब कैसे लेगा वो समझिए, किसका हेल्प लेगा, इस समझ में आ गया? CMM यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब कैसे लेगा वो, क्या करना होगा, उसको एक रिक्वेस्ट देना होगा राइटिंग में, ठीक है, इन अथॉरिटी को, ठीक है, विद इन हुज, जहाँ आप देखिए हर एक अथॉरिटी का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन लिमिट है, तो उसके रीजन में जिनका ज्यूरिसडिक्शन है उसे वो राइटिंग में लिख के देंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी अटैच करेंगे। अब देखिए, ऐसा रिक्वेस्ट जब उनके पास जाएगा, CMM या DM के पास जाएगा, तो वो जो है सिक्योर्ड एसेट का पोजीशन लेंगे और डॉक्यूमेंट्स। अब क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर हु कैन टेक पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी टू हैंड ओवर इट टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर अंडर प्रोविजन ऑफ सारफेसी एक्ट। तो दोस्तों, किसके पास कौन ये पोजीशन ले सकता है, तो अभी हम लोगों ने देखा है, चाहे वो CMM हो यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, या वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो यानी कि DM हो, इन दोनों के पास ये दोनों सिक्योरिटी का पोजीशन ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, लेकिन ये किसके रिक्वेस्ट पे होगा, तो याद रखिएगा ये रिक्वेस्ट होता है हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ सारफेसी एक्ट कैन बी इन्वोक्ड बाय अ बैंक टू रिकवर द लोन इफ। क्या कहा गया है कि सारफेसी एक्ट का जो प्रोविजन है वो बैंक के द्वारा इन्वोक किया जाता है लोन को, लोन के रिकवरी के लिए, यदि
ऑप्शन ए कह रहा है द बैंक इज ऑफ ओपिनियन दैट रिकवरी ऑफ लोन शुड बी मेड। ऑप्शन बी कह रहा है देयर इज डिस्क्रिशन फ्रॉम आरबीआई टू रिकवर द लोन। ऑप्शन सी कह रहा है लोन इज डिक्लेयर्ड एनपीए एज पर आरबीआई गाइडलाइन। और ऑप्शन डी कह रहा है लोन इज डिक्लेयर्ड एनपीए एज पर पॉलिसी ऑफ द बैंक। तो साफ साफ है दोस्तों आरबीआई का गाइडलाइन ही फॉलो होता है यहाँ पे, और आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार यदि पार्टिकुलर लोन को यदि सार्फेसी एक्ट के अनुसार यदि पार्टिकुलर लोन को एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया है तभी सार्फेसी एक्ट का प्रोविजन लागू होता है उस पार्टिकुलर लोन पे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 है सार्फेसी एक्ट का, वो क्या स्पीक करता है, वो स्पीक करता है कि नोटिस जो दिया जाता है किसे, नोटिस टू बी गिवन बाय, नोटिस कौन दे रहा है, सिक्योर्ड क्रेडिटर दे रहा है, किसे दे रहा है, तो बोरोअर को दे रहा है, ठीक है। और बोरोअर कौन है, जिसने डिफॉल्ट किया है रिपेमेंट को मेक करने में, ठीक है, और जिसका अकाउंट एनपीए हो गया है। अब देखिए अब इसके लिए कुछ प्री कंडीशन है जो नोटिस देगा, नोटिस कौन दे रहा है दोस्तों, सिक्योर क्रेडिटर दे रहा है, किसे दे रहा है, तो बोरोअर का दे रहा है। बोरोअर कौन है, तो ये वो आदमी है जिसका अकाउंट एनपीए हुआ है, ठीक है, और तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब नोटिस देने से पहले कुछ प्री कंडीशन होता है जिसे सेटिस्फाई करना होता है। पहला क्या है कि बोरोअर टू डिस्चार्ज इन इट फुल इज लायबिलिटी टू द सिक्योर क्रेडिटर विद इन 60 डेज फ्रॉम लेटर नोटिस। यानी कहा जाता है कि नोटिस यदि हम आज दे रहे हैं तो 60 दिन के बाद जो पूरा का पूरा लायबिलिटी है वो चला जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास। यदि मान लीजिए कि बोरोअर फेल कर गया तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास राइट है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा राइट है वो हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है बिफोर टेकिंग पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी के पोजीशन लेने से पहले सार्फेसी एक्ट के अंतर्गत बैंक को नोटिस पीरियड देना होता है किस प्रोविजन में, तो ध्यान दीजिएगा इस केस में बैंक ही हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर है क्योंकि बैंक ने ही तो लोन दिया है। तो दोस्तों ये प्रोविजन क्या है, तो याद रखिएगा सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 किस एक्ट का, तो सार्फेसी एक्ट का। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये कितने दिन का नोटिस होता है दोस्तों, तो 60 डेज का नोटिस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सार्फेसी एक्ट बिफोर टेकिंग पोजीशन अ डैश नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द बोरोअर। यानी कि सार्फेसी एक्ट के अंतर्गत पोजीशन लेने से पहले कौन सा नोटिस जो है बोरोअर को देना होता है, 1 वीक नोटिस, 1 मंथ नोटिस, 45 डेज नोटिस, 60 डे नोटिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका 60 डे नोटिस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए आफ्टर दिस रूलिंग देयर हैज बीन एन अमेंडमेंट टू द एक्ट। इस रूलिंग के बाद इस एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ, क्या अमेंडमेंट हुआ ये समझिए। अब सेक्शन 13 का सब सेक्शन 3 के अंतर्गत कहा गया कि बोरोअर या बोरोअर को मान लीजिए नोटिस मिल गया सेक्शन 13(2) के अंतर्गत किससे, सिक्योर्ड क्रेडिटर से, ठीक है, और वो यदि कोई ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है तो उस ऑब्जेक्शन को सिक्योर्ड क्रेडिटर को कंसिडर करना होगा, ठीक है, एंड इफ इट इज नॉट टेनेबल और एक्सेप्टेबल इट हैज टू कम्युनिकेट विद इन 1 वीक टू द बोरोअर। और दोस्तों केवल यही नहीं, उसको साथ साथ उसको उसका रीजन जो भी उसका ऑब्जेक्शन है उसका रिप्लाई भी देना होगा विद इन 1 वीक, ठीक है, कि बोरोअर हैज टू बी कम्युनिकेटेड द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। बोरोअर को ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा सिक्योर क्रिएटर को कि आखिर उसका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं आप। देख रहे हैं ये इसमें एक अमेंडमेंट डाला गया है और ये 13(a) के अंतर्गत है। क्वेश्चन आपके सामने है और ये कितने दिनों में, 1 वीक, ये ध्यान रखिएगा। ये जो टर्म, ये जो टाइम पीरियड है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना है। पहले केस में हमने कितना देखा, 60 डेज देखा यानी 2 मंथ, अभी हम कितना देख रहे हैं, 1 वीक देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है इफ द बोरोअर हैज रेज ऑब्जेक्शन टू द पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी बाय द बैंक इज रिक्वायर्ड टू सेंड रिप्लाई टू द बोरोअर जस्टिफाइंग द पोजीशन अंडर सार्फेसी एक्ट। तो ये कितने दिन का समय है दोस्तों, ये 1 वीक का समय है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि बोरोअर पेज द एंटायर ड्यूज कॉस्ट चार्जेस एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द क्रेडिटर एट एनी टाइम बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर द सेल और ट्रांसफर द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल नॉट सेल और ट्रांसफर सिक्योरिटीज। समझिए बात को, मान लीजिए बोरोअर ने ड्यू को पूरे के पूरे ड्यू को बेच दिया, पे कर दिया, या कॉस्ट चार्ज को पे कर दिया, एक्सपेंस को पे कर दिया जो कि क्रेडिटर ने इनकर किया किसी भी समय पे बिफोर द ड्यू डेट, तो इस केस में सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है जो सिक्योरिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकता या सेल नहीं कर सकता, ठीक है। इन केस ऑफ जॉइंट फाइनेंस और कंसोर्टियम फाइनेंस, दोस्तों कंसोर्टियम फाइनेंस क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स मिलकर एक लोन को देते हैं, जैसे SBI बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलकर एक लोन को दे रहे हैं, तो उसे कंसोर्टियम फाइनेंस कहा जाता है। तो कंसोर्टियम फाइनेंस के केस में या जॉइंट फाइनेंस के केस में इसमें दो या दो से ज्यादा सिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे, नो सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन टेक एनी एक्शन। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि दो बैंक हैं, दोनों बैंक ने मिलकर लोन दिया है, तो जब तक तो दोनों बैंक में से कोई भी एक बैंक जो है उस पर एक्शन नहीं ले सकता है, ठीक है, उस सिक्योर्ड एसेट का पॉइजन नहीं ले सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट में प्रिंसिपल भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा और अदर ड्यू पेबल भी आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कंसोर्टियम एडवांस केस में द एक्शन कैन बी एक्शन अगेंस्ट अंडर सार्फेसी कैन बी इनिशिएटेड इफ देयर इज कंसेंट ऑफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सार्फेसी एक्ट मान लीजिए कंसोर्टियम फाइनेंस है, कंसोर्टियम फाइनेंस तो समझ ही गए होंगे, जब दो या दो से अधिक बैंक किसी पार्टिकुलर लोन को देती है तो उसे हम लोग कंसोर्टियम फाइनेंस कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि कंसोर्टियम एडवांस के केस में सार्फेसी एक्ट के अंतर्गत एक्शन तब लिया जाएगा कि जब
किसका कॉन्सेंट हो, या एक बैंक का ऑप्शन ए कर रहा है कि 75% बाय वैल्यू या 60% बाय नंबर, बी कर रहा है 75% बाय वैल्यू, सी कर रहा है 60% बाय वैल्यू। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कंसोर्टियम फाइनेंस के केस में ये आपको की पॉइंट है, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक्शन अगेंस्ट आरपीसी एक्ट तभी लिया जाएगा यदि 75% बैंक का कंसेंट है बाय वैल्यू। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 75% कंसेंट बाय बैंक बाय वैल्यू इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू टेक एक्शंस अगेंस्ट सार्फेसी एक्ट। इसके अलावा जो सार्फेसी एक्ट है उसमें कुछ कुछ राइट दिए गए हैं सिक्योर क्रिएटर को। अब देखिए सिक्योर क्रिएटर के क्या राइट हैं, द राइट ऑफ सिक्योर क्रिएटर अंडर द एक्ट मे बी एक्सरसाइज बाय वन और मोर ऑफ हिज ऑफिसर अदरवाइज इन हिज बिहाफ इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। एज द पावर ऑफ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी नीड टू बी एक्सरसाइज प्रूडेंटली फेयरली एंड विद ड्यू केयर एंड कॉशन, द रूल फ्रेम अंडर सार्फेसी एक्ट प्रोवाइड दैट ऑथराइज ऑफिसर शुड बी ऑफ लेवल, हाँ ये ध्यान दीजिएगा जो ऑथराइज ऑफिसर हैं उसका जो लेवल होना चाहिए वो चीफ मैनेजर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक के लेवल का होना चाहिए, यानी चीफ मैनेजर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक के ही इक्विवेलेंट जो ऑथराइज ऑफिसर होंगे ठीक है वही इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी सार्फेसी एक्ट के अंतर्गत पॉजिस करने का ठीक है। अब देखिए साफ लिखा हुआ है कि अंडर सार्फेसी एक्ट द एक्शन ऑफ अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ एफआई कैन बी इनिशिएटेड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर हु कैन बी। तो दोस्तों ये जो अभी मैंने बताया कि ऑथराइज ऑफिसर जो भी होंगे वो ऑफिसर होंगे स्केल 4 या एवब ठीक है, ये स्केल 4 या उसके एवब के ही ऑफिसर होंगे जो कि ऑथराइज होंगे ये करने के लिए। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बोरोअर वांट टू अप्रोच डीआरटी अगेंस्ट द पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी बाय द बैंक ही कैन डू सो बाय डिपॉजिटिंग। अब मान लीजिए कि बोरोअर डीआरटी में जाना चाहता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाना चाहता है ठीक है, पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी बाय द बैंक, तो वो कहाँ वो कैसे जाएगा, उसको कितना अमाउंट ड्यू को डिपॉजिट करना होगा, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यदि वो डीआरटी अप्रोच करना चाहता है तो वो विदाउट डिपॉजिटिंग उसमें कोई उससे पैसा डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा ठीक है। और ये अमेंडमेंट है, देखिए पहले जो सेक्शन 17 सार्फेसी एक्ट का सब सेक्शन 2 के अंतर्गत इसमें एक अमेंडमेंट दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट का ही अमेंडमेंट था कि डीआरटी में केस फाइल करने के लिए कोई पैसा नहीं डिपॉजिट करना होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है, ये सही है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन के अनुसार है। अब देखिए नेक्स्ट है डीआरटी, सेम क्वेश्चन है, बस अंतर इतना सा है कि पहले डीआरटी था अब वो डीआरटी को अप्रोच कर रहा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि यदि कोई बोरोअर वो डीआरटी में अपील करना चाहता है तो वो कितने दिन के अंदर करेगा। अब देखिए इसके अंदर तो आपको पता होगा कि वो 30 डेज का टाइम दिया जाता है। तो इफ ए बोरोअर वांट टू अपील टू डीआरटी अगेंस्ट डीआरटी डायरेक्शन, मान लीजिए डीआरटी ने कुछ डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट बोरोअर उससे सेटिस्फाइड नहीं है ठीक है, तो वो उस डिसीजन के अगेंस्ट डीआरटी को अप्रोच कर सकता है, लेकिन ये अप्रोच वो 30 दिन के अंदर करेगा। 30 दिन कब से, तो जिस दिन डीआरटी का डिसीजन आया है उसके 30 दिन तक, ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए बोरोअर मान लीजिए डीआरटी में अपील करना चाह रहा है तो उसे कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, यही तो क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो अमाउंट ड्यू है उसका 75% ठीक है, जो कि 25% डीआरटी के द्वारा रिड्यूस किया जा सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि जो अमाउंट ड्यू है उसका 50% जो कि डीआरटी के द्वारा नील में रिड्यूस किया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है जो अमाउंट ड्यू है उसका 50% जो कि 25% तक रिड्यूस किया जा सकता है डीआरटी के द्वारा। और ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई अमाउंट ही नहीं डिपॉजिट करना है। आप बताइए, ये हम लोगों ऑलरेडी डिस्कस किया है दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका 50%। ध्यान दीजिएगा यदि मान लीजिए कोई बोरोअर है वो डीआरटी के डिसीजन के अगेंस्ट डीआरटी में अपील करना चाहता है तो दोस्तों वो कर सकता है ऐसा, लेकिन उसे 50% ऑफ अमाउंट डिपॉजिट करना होगा जो कि डीआरटी के द्वारा 25% तक रिड्यूस किया जा सकता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम ये समझते हैं कि जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी की किसी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या नियम है। तो देखिए दोस्तों दो शर्तें हैं जिसको फॉलो करना होता है। पहला क्या है कि इट ऑब्टेन्स सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई से उसे सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए ठीक है, और वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। और दोस्तों इट हैज़ द ऑन फंड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉट लेस देन 2 करोड़। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है तो उस सिक्योरिटी उस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास 2 करोड़ का ऑन फंड होना चाहिए ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़ है, और सच अदर अमाउंट नॉट एक्सेडिंग 50% ऑफ टोटल फाइनेंशियल एसेट एक्वायर और टू बी एक्वायर्ड एज आरबीआई में स्पेसिफाई ठीक है। तो टोटल फाइनेंशियल एसेट का 15% अमाउंट उसके पास उस वक्त होना चाहिए
क्वेश्चन आपके सामने है। अंडर प्रोविजन ऑफ सरफेसी एक्ट अ सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैन कमेंस द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, विच वन इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो सरफेसी एक्ट का प्रोविजन है उसके अंदर मान लीजिए कोई सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है वो अपना बिजनेस को कमेंस करना चाह रही है तो उसको क्या क्या शर्तें फॉलो करनी पड़ेगी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इट हैज़ गॉट इट सेल्फ रजिस्टर्ड विद RBI, यानी इसे RBI के साथ सेल्फ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ऑप्शन बी कह रहा है इट हैज़ गॉट सेल्फ रजिस्टर्ड विद SEBI फॉर दिस बिजनेस, यानी इसे SEBI के साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ इसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ऑप्शन सी कह रहा है इट का ऑन फंड जो है 1 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन डी कह रहा है इट्स ऑन फंड आर एटलीस्ट 15% ऑफ टोटल फाइनेंशियल एसेट रिक्वायर्ड। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कौन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी तो साफ साफ करेक्ट है। क्या बोलते हैं ऑप्शन सी बताइए, ऑप्शन सी एक्चुअली में यहाँ पे 100 करोड़ है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है, SEBI के साथ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये रजिस्ट्रेशन किसके साथ चाहिए, RBI के साथ चाहिए। अब दोस्तों आप मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हो गया, अब कैंसिलेशन का क्या नियम है, तो एक्ट के अंदर कहा गया है। अब देखिए इस पार्टिकुलर नोट्स का आपको फायदा ये है कि बुक में तो आपको ढेर सारा चीज़ दिया गया है लेकिन मैं उसमें से आपके लिए प्रिसाइज कर रहा हूँ चीज़ों को, मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल आप उसी को पढ़िए, आपका टाइम भी बचेगा, आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर पाएंगे एक ही कंटेंट को। तो दोस्तों इस PDF की इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आखिर रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन से रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। तो देखिए एक्ट में ये कहा गया है, जब मैं एक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो सरफेसी एक्ट है, उसमें ये कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन है वो 2 कैटेगरी में होगा। पहले कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन होगा विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी टू द कंपनी, ठीक है, बिना कंपनी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा। यदि कंपनी ऐसा कुछ करती है तो पहला क्या करेगी, सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटी। मान लीजिए वो कंपनी जो है वो उसका जो बिजनेस था सिक्योरिटाइजेशन का या रिकंस्ट्रक्शन का वो करना बंद कर दे। दूसरा कंडीशन है कि वो किसी भी QIB के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, QIB होते हैं हमारी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। देखिए सिक्योरिटाइजेशन कंपनी का ये काम है कि वो इन्वेस्टमेंट उससे उसके बीच में एक रिलेशन होता है QIB के साथ। मान लीजिए QIB के साथ कुछ का कोई रिलेशन ही नहीं रहा, यानी जो इन्वेस्टमेंट है वही नहीं रहा, तो वो उसके कारण जो है उसका सर्टिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि RBI का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रही है, तब भी उसका सर्टिफिकेशन कैंसिलेशन हो जाएगा सर्टिफिकेट। और दोस्तों यदि मान लीजिए कि वो अपना डॉक्यूमेंट और ये अकाउंट इंस्पेक्शन के लिए RBI को नहीं दे रही है, तो इन सभी के सभी कंडीशन में RBI क्या कर सकती है कि उसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। क्वेश्चन आपके सामने है, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाई RBI टू अ सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैन बी कैंसिल्ड इफ, तो ऑप्शन ए कह रहा है कंपनी डज नॉट कैरी द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी हैज स्टॉप टू रिसीव और होल्ड एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम QIB, कंपनी फेल टू कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ कंसेशन सर्टिफिकेट इशूड बाई RBI, ऑल द अबव। तो दोस्तों सभी के सभी स्टेटमेंट जो कि यहाँ लिखे गए हैं सभी के सभी हमारे करेक्ट हैं। तो इन सभी कंडीशन में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है तो वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकती है। मान लीजिए RBI ने कैंसिल कर दिया, अब उसका तो सुनना पड़ेगा ना, तो 30 दिन का समय उसे दिया गया है। कब से, तो डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, जब से वो ऑर्डर उसे कम्युनिकेट किया गया उसके 30 दिन के अंतर्गत वो अपील कर सकती है किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो अपील किसे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करेगी, ठीक है। और कंपनी को एक हियरिंग देना पड़ेगा बिफोर रिजेक्टिंग द अपील। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन कंपनी इज कैंसिल्ड अंडर सरफेसी एक्ट, तो मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो वो क्या कर सकती है, इट कैन रिक्वेस्ट RBI सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकंसिडर द इशू विदिन 15 डेज, विदिन 30 डेज इट कैन अपील टू सेंट्रल रजिस्ट्री, विदिन 30 डेज इट कैन फाइल सूट इन अ सिविल कोर्ट। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये अपील करेगी किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करेगी, कब तक, 30 दिनों के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड, ठीक है, तो कंपनी इज शैल बी डीम्ड एट रजिस्टर्ड अनटिल द कंपनी पे द ड्यूज ऑफ इन्वेस्टर अलोंग विद इंटरेस्ट विद इन द पीरियड एज RBI विद मे सर्टिफाई, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए कि कोई क्या करना चाह रहा है कि कंपनी रजिस्टर्ड तभी कहलाएगी जब जो भी इन्वेस्टर्स, देखिए कंपनी में ऑब्वियसली बात है कंपनी है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उसमें लोग इन्वेस्ट किए होंगे, तो जो भी इन्वेस्टर का ड्यूज है उसे पेमेंट कर दिया गया हो ब्याज सहित, ठीक है, तो तभी वो उसका कैंसिल होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, मान लीजिए कि किसी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का रजिस्ट्रेशन
है वो कैंसिल हो गया आरबीआई के अंतर्गत एंड और वो ड्यू अभी तक पे नहीं किया है, ठीक है। तो क्या होगा, तो रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगा, रजिस्ट्रेशन फिर कैंसिल कराएगा, रजिस्ट्रेशन 2 महीने में कैंसिल कराएगा और रजिस्ट्रेशन 3 महीने के बाद कैंसिल कराएगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक उसका ड्यू पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए, जब तक वो पूरे पूरे ड्यू को पे नहीं कर दे। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब दोस्तों इसके बाद का जो कंटेंट है वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर 4 पार्ट में इस पार्टिकुलर चैप्टर को कवर करेंगे। ये पूरा पूरा सरफेसी एक्ट है हमारा, बहुत लेंदी टॉपिक है, तो इसीलिए हम लोग इसे 4 पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। दोस्तों यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। धन्यवाद।